नेक्स्ट प्रश्न है कि ये ब्रिगेडियर बी रघुनाथन जी ने लिखा है, रघुनाथन जी ने, कि व्हाट कैन आई और वी डू टू इंस्टिल कल्चरलिज्म इन आवर नेबरहुड कंट्री। शॉर्ट टर्म गोल कुछ है क्या, उनको कुछ सिखा सकते हैं हमारे नेबरहुड को? नेबरहुड कंट्रीज आपका आपका इशारा किधर है उधर, क्योंकि नेबर तो बहुत है कंट्री बताया उन्होंने, नहीं समझ नेबरहुड कंट्री क्या है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारे नेबरहुड में, बहुत से साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कल्चरल रिलेशन है तो वहाँ भी कभी वहाँ पर हिंदू धर्म रहा, बाद में बौद्ध धर्म हुआ, तो बहुत बुद्धिस्ट कल्चर एंड हिंदू कल्चर वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी बाकी जगह आती है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्व जब तक उनकी बेसिक थिंकिंग फिलॉसफी में चेंज नहीं आएगा संभव नहीं है। इस समय आप देख रहे होंगे कि उनकी वो फिलॉसफी उन्हीं को ही हॉन्ट कर रही है। पूरे अरबस्तान के अंदर जो संघर्ष है वह इस्लाम और क्रिश्चियन यहूदी या हिंदू के बीच नहीं है, वो इस्लाम विद इन इस्लाम। और इसलिए ये जो प्रॉब्लम आती है उसके एक तो ये फिलोसॉफिकल रीजन है, और दूसरा नेबरिंग कंट्री की जो प्रॉब्लम है कि उसका जो बेस है वही भारत के विरोध के ऊपर है। अगर भारत का विरोध समाप्त हो जाएगा तो जो आज का एस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए और पॉलिटिकली वो संबंध ऐसे न रहे इसकी दिशा में प्रयत्न करता है। तो मुझे लगता है कि उसके संदर्भ में तो आने वाला समय हो सकता है कि, क्योंकि दुनिया के अंदर मानव विकास की यात्रा में कोई भी अपनी थियोलॉजी पे रह नहीं सकता है। सऊदी अरेबिया में भी इस समय महिलाओं के बारे में जो रिवोल्यूशनरी डिसीजंस लिए हैं, तो वक्त इसके लिए सबको मजबूर कर रहा है कि समय के साथ अपने को चेंज करें, तो वह करना। और दूसरा जो है कि भारत जितना पावरफुल होगा, क्योंकि हमारी पावरफुल किसी को भय करने के लिए नहीं है, लेकिन जो हमको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि उसको करना और संबंध अच्छे रहेंगे, और इसकी और मुझे लगता है कि विद इन उनके अंदर भी आज अनेकों प्रकार के मूवमेंट्स बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, विद इन अंदर बहुत चल रहे हैं कि आखिर को हमारी आइडेंटिटी क्या थी। इसलिए एक किताब निकली वहाँ पर 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान तो 47 बना, 5000 ईयर कहाँ से आ गए? तो उसमें फिर वो पाणिनि का उल्लेख करता है, वो पतंजलि का उल्लेख करता है, उसका ये करता है। मुझे लगता आज नहीं कल भूला भटका लौट के आएगा, लेकिन भूला भटका जब तक लौट के नहीं आता है तब तक हमको सावधान रहना, और इस तरह से और कुछ प्रयत्न करेंगे तो शायद आने वाले समय में कुछ रास्ता निकलेगा।